उपेंद्र कुशवाहा खुद भी लोकसभा का चुनाव हारेंगे और उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ओपिनियन पोल और सर्वे के नतीजे बता रहे हैं, वो भी हमारे ओपिनियन पोल और सर्वे नहीं है, ये वही ओपिनियन पोल और सर्वे हैं जो बता रहे हैं कि देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की धमाकेदार तीसरी बार एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे की, जो बता रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार। और राज्य दर राज्य अलग अलग आंकड़े, पार्टियों के आंकड़े पेश कर रहा है इंडिया टीवी का सर्वे। और इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे है वो सत्य के कितना करीब है वो इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सूत्र ही बता सकते हैं, लेकिन ये तय है इनके आंकड़े के अनुसार, इनके सर्वे के अनुसार, कि उपेंद्र कुशवाहा खुद भी चुनाव हारेंगे और उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, ये समझने और सोचने वाली बात है, लेकिन हम आपको बताते हैं। दरअसल हम उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर बात करें उसके पहले आपको आंकड़ों से रूबरू करवा देते हैं। जो आंकड़े कह रहे हैं इंडिया टीवी और सीएनएक्स के, उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी को 34% वोट, जेडीयू को 19% वोट, आरजेडी को 18% वोट, कांग्रेस को 8% वोट, लोजपा रामविलास को 6% वोट और बाकी अन्य को 15% वोट। तो हमने सोचा कि इसमें जीतन राम मांझी का भी जिक्र नहीं है, इसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी का भी जिक्र नहीं है, संभव है कि जो अदर्स के 15% है उसी में उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे। लेकिन इंडिया टीवी का जो सर्वे है, इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे है, वो यही नहीं रुकता, वो आगे सीटों की संख्या भी बताता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार सीटें किसको किसको कितना मिलेंगी ये भी आप जान लीजिए। 20 सीटें बीजेपी को सर्वे के अनुसार, बीजेपी 20, जेडीयू 7, राजद 7, कांग्रेस 2, लोजपा रामविलास 2, पशुपति कुमार पारस की पार्टी 1, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1। 40 सीटें गिनती की हो गई। अब इस 40 में उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है, न उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर आ रहे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहीं नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी कभी राष्ट्रीय समता पार्टी हुआ करती थी, बाद में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो गई, वो फिर एक बार पार्टी बनाते हैं, मतलब पार्टी बनाना, विलय कर जाना, इस गठबंधन से उस गठबंधन तक जाना, ये उपेंद्र कुशवाहा करते रहते, तो इसकी वजह से उनकी पार्टी का नाम बदलता रहता है। इस बार उनकी पार्टी का नाम हो गया है राष्ट्रीय लोक जनता दल। हम बात कर लेते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, 3 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, जिसमें एक सीट थी काराकाट की, जहां से खुद उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे, जहानाबाद सीट उन्होंने लड़ी थी और इसके साथ ही सीतामढ़ी सीट पर उनका उम्मीदवार था, तीनों सीट जीतने में ये कामयाब रहे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का मन फिर डोलने लगा, मन डोले मेरा तन डोले, और मन डोलते डोलते वो चले गए महागठबंधन के साथ, महागठबंधन मतलब आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के साथ, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं। जी हाँ, लोकसभा की 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। पहली सीट होती है काराकाट, जहां से जीतकर वो मंत्री भी बने थे। काराकाट सीट पर उनको जेडीयू के महाबली सिंह कुशवाहा लगभग 85,000 वोटों से चित कर देते हैं, हरा देते हैं। और दूसरी सीट का रिजल्ट जानिए आप ज़रूर, उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने बीजेपी के नेता नित्यानंद राय होते हैं, और नित्यानंद राय को आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे 5,43,906 वोट मिलते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को 2,66,628 वोट, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को जितना वोट आता है उससे ज़्यादा वोट से वो हार जाते हैं, 2,77,278 वोटों से वो उजियारपुर हार जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी के बड़े नेता कहे जाते हैं बिहार के। खैर, वो किस सीट से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये भविष्य की बात है, लेकिन इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा है बिहार में, और लोकसभा का चुनाव वो खुद बिहार जाएंगे, ये आंकड़े कह रहे हैं। बाकी आपके पास भी कोई आंकड़े हो तो ज़रूर पेश करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।